आपको हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लिए चलते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर नामांकन से पहले रोड शो कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से वहां पर भी हुजूम देखने को मिल रहा है आपको कार्यकर्ताओं का। ये हमीरपुर से सीधी तस्वीरें आप तक आप पहुंचा रहे हैं जहां पर अनुराग ठाकुर का एक रोड शो हो रहा है और इसमें शामिल होने के लिए भारी तादाद में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। आज ही अनुराग ठाकुर को नामांकन भी दाखिल करना है। नामांकन से पहले किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता झूमते हुए नजर आ रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अनुराग ठाकुर आपको नजर आ रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। नामांकन से पहले अनुराग ठाकुर ने रोड शो निकाला और यहां पर देखिए गदा लिए हुए हाथों में आपको बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहां नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सामने आ रही है। 2008 से राजनीतिक करियर की शुरुआत की, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से उपचुनाव जीता अनुराग ठाकुर का सियासी सफर कैसा रहा ये जानिए आप। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष का पद भी संभाला उन्होंने। हमीरपुर से 2009, 14 और 19 में चुने गए। 19 में मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री बने। 2021 में युवा खेल और सूचना प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा उन्हें मिला। तो ये युवा और प्रभावी चेहरा बीजेपी का केंद्र में अनुराग ठाकुर जो नामांकन से पहले इस वक्त रोड शो करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। फूलों की बारिश अनुराग ठाकुर पर इस वक्त की जा रही है। बड़ों का आशीर्वाद इस दौरान अनुराग ठाकुर ने लिया। लोगों के साथ युवाओं के बीच सेल्फी लेते हुए नजर आए और ये देखिए तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। घर से निकलने से पहले किस तरीके से बड़ों का आशीर्वाद उन्होंने लिया, उसकी तस्वीरें एक तरफ और दूसरी तरफ उनके उस रोड शो की तस्वीरें जो इस वक्त हमीरपुर में चल रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज नामांकन करना है अनुराग ठाकुर को, उससे पहले रोड शो इस वक्त चल रहा है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में।